एवरीवन, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास सोशल साइंस का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। जैसे आपको अपने आंसर्स लिखने चाहिए ताकि आप आसानी से पास हो सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिए और जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनको आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ क्वेश्चन करने का तरीका, आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए, आगे भी आने वाले सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो टाइम से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आंसर आप लिखते हैं, जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको जब सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग कर देते हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन से आपके आंसर लिखने स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चन से लिख देते हैं जहां पर कि आपको आंसर भी अच्छे से नहीं आता। आपके क्वेश्चन पेपर में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसकी नजरों में सामने ये आ जाता है, पहला इंप्रेशन उसकी नजरों में ये जाता है कि बच्चे को कुछ भी सही से नहीं आता और इसलिए उसने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो वो आपकी कॉपी को सही से चेक करता है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना। आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर है या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है पहले, तो आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, बस आपको क्या लिखना होगा कि आंसर नंबर 9 या फिर आंसर नंबर 10, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और बस अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर देना है। एक चीज़ को याद रखना है आपको कि आप फर्स्ट नंबर पे उन्हीं क्वेश्चन को करें, सबसे पहले पेज पे आप उन्हीं क्वेश्चन को करें, सेकंड पेज जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कि आपको लगता है कि आप 100% उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे होते हैं ना कि बहुत अच्छे से आते हैं, हमें लगता है कि इनके आंसर तो हम आराम से बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि वो आपको याद होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको सबसे पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद में सेकेंड आपको लिखने हैं कौन से क्वेश्चन जो कि आपको लगता है 50%, हाँ ठीक है मैं उनके आंसर्स मतलब बना भी सकती हूँ या बना भी सकता हूँ, एंड उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे याद हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको उसके बाद में लिखने हैं, पहले आपको लिखने हैं जो क्वेश्चन आपको 100% अच्छे से आते हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन पेपर को करेंगे, तो एग्जामिनर को पहले पेज पर ही देख के लग जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, अच्छे से उसने अपने आंसर लिखे हैं, तो लास्ट में इतने अच्छे से वो कॉपी चेक नहीं करेगा, स्टार्टिंग की कॉपी देख के लास्ट में वो बस जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करके आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, राइटिंग अच्छी रखनी है और साथ ही साथ स्टार्टिंग के पेज पे आपको किसी भी तरीके की ओवरराइटिंग नहीं करनी। लाइक बच्चे होते हैं आंसर लिखा गलत हो गया उसको फटाफट 3-4 बार लाइन से कट कर दिया, नहीं आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे करने से भी एक इंप्रेशन गलत जाता है। अगर मान लीजिए आपका आंसर आपसे गलत हो गया, एक लाइन आपसे गलत होगी, तो बस आप उसको एक लाइन से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। एक लाइन आपको कट करनी, उसमें ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपके लास्ट ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि उनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप उन क्वेश्चन को छोड़कर आके गलती कर लेते हैं। आपको उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, आपको क्वेश्चन पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है। तो आपको कैसे करना होगा, उन क्वेश्चंस के ना आप आंसर बना के लिख कर आइए, जो भी आपने लाइक इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ और पढ़ा था, ठीक है, आपको ये आया तो आप कुछ टॉपिक बना के अपने आप से लिख कर आइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बच्चे जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम कुछ भी लिख कर आ जाएंगे, कोई गाना भी लिख कर आ जाएंगे तो चल जाएगा काम, नहीं ऐसा नहीं कुछ करना आपको। आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है ना उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वो वहाँ पर लिख कर आ जाइए, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको लिख कर आ जाइए, ठीक है, ताकि आप आसानी से अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से आपने अगर किया, इस तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 100% वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, फिर उसके बाद में 50% जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन करने, लास्ट में वो क्वेश्चन करने जो आपको नहीं आते उनको आप बनाकर लिख कर आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, उनसे ही आपका पेपर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, आप आराम से सोशल साइंस के पेपर में पास हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।